पुरानी दुश्मनी फिर जाग उठी और 10 लाख से भी ज्यादा लोग इस दुश्मनी पर। दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947 को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। वह इस फिल्म में आमिर खान संग काम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, लाहौर 1947 को लेकर लगातार अपडेट आ रही है। इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। जी हां दोस्तों, सनी देओल और आमिर खान इस फिल्म में मिर्जापुर के एक एक्टर की एंट्री हुई है। इस एक्टर का नाम है अली फजल है। तो गदर 2 के बाद सनी देओल लगातार अपनी अगली फिल्म लाहौर 1947 को लेकर सुर्खियों में है। दोस्तों, इस फिल्म के लिए आमिर खान और राजकुमार संतोषी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, सनी देओल और आमिर खान इस फिल्म को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, बताया जा रहा है लाहौर 1947 में सीन देख सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा की याद दिलाएगी। दोस्तों, लाहौर 1947 के लिए सीन में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, जिसमें फाइट, डायलॉग और इमोशन सीन शामिल होंगी। दोस्तों, लाहौर 1947 की शूटिंग 70 दिनों के बाद कंप्लीट हो गई है। दोस्तों, लाहौर 1947 फिल्म 26 जनवरी 2025 को रिलीज होने जा रही है। दोस्तों, इस फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा भी नजर आएंगी। दोस्तों, सनी देओल के फैंस को सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 का इंतजार है। दोस्तों, आपको कितना इंतजार है इस फिल्म का, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, बाकी ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।